अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होंगी। तो डिस्क्रीट मतलब कि काउंटेबल वैल्यूज होंगी, जिसमें नंबर ऑफ हेड्स या कॉइन को टॉस कर रहे होंगे या डाइस को कर रहे होंगे, है ना, जहाँ पर भी काउंटेबल नंबर्स होंगे, जिन वैल्यूज को हम काउंट कर सकते हैं उस टाइप की हमें वैल्यूज दी होंगी, तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जो किसके अंडर आता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप है, एक बायनोमियल और एक पॉइजन्स। तो हम पहले देख रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स, ये कॉम्बिनेशन वाला सी है, पी टू द पावर एक्स ब्रैकेट में वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। यहाँ पर एस क्या है, सैंपल स्पेस, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था। और अगर एक्स सैंपल स्पेस से बिलोंग नहीं करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। या हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स वन माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। तो जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पर एन क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी इवेंट आपको दी हुई है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, ये एन उसको रिप्रेजेंट करता है। या ये जो एन होता है एक फाइनाइट वैल्यू होती है, क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये फाइनाइट वैल्यू होगी या कोई आपको टोटल वैल्यू दी हुई होगी वो होगी, जैसे 100 बुक्स, 10 पेन्स, ठीक है, 5 बैट्स। तो इस टाइप की जो वैल्यूज होंगी टोटल वो एन होगी हमारी न्यूमेरिकल में। और पी क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर इस केस में क्या होता है, मीन क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसे ई ऑफ एक्स पी बोलते हैं या म्यू भी बोलते हैं, विच इज इक्वल्स टू एन इंटू पी, एन और पी का मल्टीप्लिकेशन। और जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है एन पी क्यू। क्यू क्या है, ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और Q क्या होता है, 1 माइनस पी। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, तो इसको इस साइड रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू आपको दी हुई हो सकती है और आपको जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को बोले। अब क्या होता है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें न्यूमेरिकल्स में आपको एन गिवन होगा, एक्स पूछ रहे होंगे आपको, एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा एक्स, और प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कब अप्लाई होता है, जब एन की वैल्यू लेस देन 100 हो और प्रोबेबिलिटी क्या हो, हायर हो, तो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कोई भी रिपीटेशन में चीज होगी या जो टोटल वैल्यू होगी वो n होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 4 हेड्स इन 6 टॉसेस, 6 टाइम टॉस करने पर 4 हेड्स कितनी बार आएंगे, तो 6 हमारा क्या है, n, ठीक है, और x हमारा क्या है, 4, क्योंकि हमें किसके लिए पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जब 4 हेड्स आए, तो x हमारा 4 है और प्रोबेबिलिटी हमें नहीं गिवन है, p की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, हमें फॉर्मूला में n चाहिए, x चाहिए, p चाहिए, तो p नहीं दिया है। लेकिन हमें पता है जब कोई क्वाइन होती है तो उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या टेल, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सक्सेस कब मिलेगी आपको, एक ही बार, आउट ऑफ 2 आउटकम्स, तो 1/2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और 1 माइनस पी भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो सो यूजिंग बायनोमियल फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4 पे हमें फाइंड आउट करना है। तो जब एक्स इक्वल्स टू 4 है, एक्स इक्वल्स टू 4 है, तो एन सी फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एन टू दी पी 1 माइनस पी टू दी पावर एन माइनस एक्स, एन की वैल्यू है 6, एक्स की वैल्यू है 4, हमने पुट कर दी और
पी की वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर दी तो वैल्यू आ गई 6c4 1 टू दी पावर 4 और यहाँ पर 1 टू दी पावर 2। ठीक है, अब 6c4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अगर 6c4 फाइंड करना है तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो 6 − 4 = 2, तो ये 2 का फैक्टोरियल हो गया और r मतलब 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का कर दिया तो ये 4 × 3 × 2 × 1 ये क्रॉस हो जाएंगे, ये बचेगा 30/2 यानी कि 15। तो ये हो गया हमारा 6c4, उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 30/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 6 × 5 / 1 × 2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये वाला फैक्टोरियल आया था r फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया था तो बचा क्या था 6 × 5 / 2 × 1, तो उसी को लिखा है हमने, और इंटू 1/2 की पावर 6 जो पी इंटू 1 − p की पावर में आया था, तो ये 2 की पावर 6 था, तो ये हो गया 30/2 की पावर 7, या हम कह सकते हैं 2 1 इसमें से निकाल लो तो ये 15 हो जाएगा, 15/2 की पावर 6, तो 15/2 की पावर 6 मतलब 15/64, ये हमारा आंसर हो गया।